Delhi has emerged as the most unsafe metro for women in India. 3-year-old, minor 16-year-old girl, 30-year-old woman has been gang raped. दिल्ली में 14 इलाके ऐसे हैं जो महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है. Alright, so I guess कैसे हो आप सब? आज हम एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि गर्ल सेफ्टी के अराउंड. आई नो काफी गर्ल्स का मुझे मैसेज भी आया था कि भैया गर्ल सेफ्टी के अराउंड कंटेंट प्लीज क्रिएट करो, इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आओ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या गर्ल्स की सेफ्टी को प्रायोरिटी पे रखा जाता है या फिर नहीं रखा जाता. जिस टाइप से दिल्ली के अंदर क्राइम केसेस सुनने को आते हैं, क्या दिल्ली है ना सेफ रहेगा या फिर नहीं रहेगा. आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो होने वाली है एंड आई नो आपके पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहते हैं इस चीज़ के अराउंड कि दिल्ली भेजना बच्चों को सेफ रहेगा या फिर नहीं रहेगा. तो मेक श्योर करना यार, एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को एंड टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो होने वाली है एंड काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो इसको सेक्शन में डिवाइड करके फिर रखेंगे वीडियो को ताकि आपको भी ईजिली क्लैरिटी मिल रही हो इस वीडियो के थ्रू. एंड बाई दी एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट दे रहा हूँ जिसकी वजह से आपको पता लग रहा होगा कि ठीक है सेफ्टी का कंसर्न है बट दिल्ली यूनिवर्सिटी ना उस सिर्फ उसकी वजह से आई डोंट थिंक सो कि वो वर्थ इट रहेगा. राइट, सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट जंप ऑन टू टुडेज़ वीडियो. एंड चैनल पर पहली बार आए थे प्लीज़ सब्सक्राइब करो बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी लगते हैं रिसर्च में. तो प्लीज़ थोड़ा लाइक करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर देना बिकॉज आप रेशियो देख सकते हो. सो लेट्स जंप ऑन टू टुडेज़ वीडियो. तो यार इस वीडियो को मैं 4-5 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ तो थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दे देता हूँ कि आज की वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा. तो सबसे पहले यार हम बात करेंगे करंट सिचुएशन में दिल्ली के अंदर क्या है गर्ल सेफ्टी के अराउंड, ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे रिसेंट जो कोलकाता में केस हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे एंड फिर उसके बाद मैं कुछ आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस बताऊंगा जो आप ले सकते हो एज ए स्टूडेंट, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में. एंड उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एज ए स्टूडेंट कैसे चेंज करती है, कैसे आपकी पर्सनालिटी डेवलप करती है आने वाले 3-4 साल के अंदर, उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें करें. एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द पेरेंट्स कंसर्न अबाउट द गर्ल सेफ्टी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है. तो ये टाइमलाइन रहने वाली है वीडियो की, तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ. जैसे कि आपको सबको बताया दिल्ली सिटी टीयर 1 के अंदर आती है एंड क्राउड के मामले में बहुत ज़्यादा क्राउड है इस स्पेसिफिक सिटी के अंदर एंड कैपिटल भी है इंडिया की और काफ़ी कम जगह के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है. बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है एंड आपको केसेस तो सुनने को आते ही है जिसकी वजह से हमारे दिमाग में ये डाउट सबसे पहले आता है कि इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी सेफ फॉर अस या फिर नहीं है, ठीक है. तो सबसे पहले तो ये चीज़ है और स्टैटिस्टिक्स भी आप देखते ही हो कि आज ये केस हो गया, आज ये केस हो गया, आज ये केस हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके लिए सेफ नहीं है. यार दिल्ली यूनिवर्सिटी सेफ्टी के मामले में बहुत प्रायोरिटी के साथ काम करती है एंड रात को पेट्रोलिंग वगैरह भी आपको देखने को मिल जाती है कैंपस के अराउंड एंड इतना ज़्यादा अनसेफ भी नहीं है, ठीक है. स्पेसिफिक अगर मैं कैंपस की बात करूँ, आप आगे क्लिप्स भी देख रहे होंगे इवन कि वो मेरे जूनियर्स हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि कितना सेफ है कैंपस और कितना अनसेफ है कैंपस, तो उसके बारे में भी आपको पता लग जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो. तो मतलब ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड रहता है कि आप किस तरीके से अपने आप की सेफ्टी को मेंटेन करके रख रहे हो. राइट, एंड अगर रिसेंट कोलकाता केस के बारे में बात करें तो यार सबको पता है कि ऐसा केस था जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया, ठीक है. इवन कि बहुत केसेस होते हैं बट वो ज़्यादा हाईलाइट हुए एंड उस केस के बाद मतलब हर एक पेरेंट्स के अंदर एक चीज़ तो रियलाइज होती है या एक चीज़ तो हिट होती है कि विल देयर बी किड्स सेफ इन अनदर सिटी, ठीक है. मतलब आप इतने दूर से आ रहे हो तो क्या सेफ हो या फिर नहीं हो, तो ये कंसर्न उठना ऑब्वियस ही बात है यार, ठीक है. एंड इवन मैं एज अ स्टूडेंट अगर बात करूँ 3 साल पहले जब मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था तो एक बार तो कंसर्न मेरे पेरेंट्स को भी था कि विल इट बी सेफ फॉर मी टू लिव इन दिल्ली, राइट. बिकॉज मैं टीयर 2 सिटी से गया था दिल्ली में एंड आई नो कि आप में से काफ़ी बच्चे होंगे जो टीयर 2 टीयर 3 सिटी से आ रहे होंगे, ठीक है. एंड वहाँ से भेजना बच्चों को अपने शहर से दूर भेजना बिकॉज आज तक तुम कभी बाहर नहीं गए हो, तो ये जेन्युइन सा कंसर्न बन जाता है कि क्या सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है. तो मेरे लिए भी थोड़ा बहुत चैलेंजिंग था एंड इवन आपके लिए भी चैलेंजिंग रहेगा, बट आई वुड हाईली सजेस्ट यार अगर आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना बिकॉज आपको वो बहुत डेवलप कर देती है. इवन कि मैंने खुद को डेवलप होते हुए देखा है, ठीक है. अगर मैं फर्स्ट ईयर के तुषार को देखूं और फाइनल ईयर के तुषार को देखूं तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया था, ठीक है. तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है एंड आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो गो फॉर इट. एंड सेफ्टी ऐसी चीज़ है जो आपको खुद से देखनी पड़ती है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एंड उसके बाद आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, ठीक है. बिकॉज कोलकाता का केस हुआ है, ठीक है, तो आप दिल्ली आ रहे हो तो फिर मतलब सिंपल सी चीज़ है कि यार क्राइम केसेस या फिर इस तरह के रेप केसेस कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है.
तो ये सेफ्टी वाला कंसर्न ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक दिल्ली सिटी के अंदर है, आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, किसी भी सिटी में चले जाओ, कहीं ना कहीं केसेस आ जाते हैं। बस वो मेजर कैपिटल है या फिर बहुत ज़्यादा हाईली क्राउडेड सिटी है तो उनके केसेस ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, बिकॉज टीयर वन की सिटी, टीयर वन की ऑडियंस जल्दी से उस चीज़ को सोशल मीडिया के थ्रू आज के टाइम पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है, ठीक है। तो सेफ्टी के कंसर्न से आई वुड से कि उस स्पेसिफिक रीज़न के कारण दिल्ली यूनिवर्सिटी मत छोड़ना, आना, बिकॉज ये चीज़ आपको बहुत कुछ सिखाएगी। अब लेट्स टॉक अबाउट सम सेफ्टी कंसर्न जो आप अपने एंड से प्रिकॉशंस ले सकते हो ताकि आपको वो चीज़ फेस ना करनी पड़े, एंड किस तरीके से आप अपने आप को एक स्टेप अहेड लेके चल सकते हो। ऑलवेज मेक श्योर करो कि यार आप अलर्ट रहो, ठीक है। अपने सर, मैंने देखा काफ़ी स्टूडेंट्स को जब भी आप क्या बोलते हैं सैर करने के लिए निकलते हैं या फिर वॉक के लिए निकलते हैं खाना पीना खा के, तो ऑलवेज मेक श्योर करो यार अगर आपने ईयरफोन्स लगा रखे हैं या फिर हेडफोन्स वगैरह लगा रखे हैं तो उनकी वॉल्यूम कम रहे, ठीक है। बिकॉज डेली के अंदर है ना नॉर्मल कल्चर होता है कि यार आप हेडफोन्स लगा के घूम रहे हो, ठीक है, नॉर्मल रोड पर वॉक कर रहे हो, तो ऑलवेज मेक श्योर कि उनकी वॉल्यूम कम हो एंड ताकि आपको आसपास चीज़ें के बारे में पता लग रहा हो, ठीक है, कि शोर शराबा भी कोई आवाज़ आ रही है तो आपको पता लग जाए, ठीक है, और इस चीज़ को जितना अवॉइड कर सकते हो बेटर रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ठीक है। काफ़ी बार हमें ना गट फीलिंग आ जाती है कि यार दिस स्पेसिफिक प्लेस इज़ नॉट गुड फॉर मी या फिर आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद एनी स्पेसिफिक पर्सन, तो अगर आपको कभी भी ऐसा अनकम्फर्टेबल फील होता है चाहे फिर वो आपके फ्रेंड से क्यों ना हो, तो ऑलवेज मेक अ स्टेप बैक, ठीक है। तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, अगर आपको अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है तो यार कोई दिक्कत नहीं है, एंड अपना एक स्टेप पीछे ले लो और उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करो, ठीक है, उस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करो एंड बी एट योर सेफेस्ट प्लेस, ठीक है। बिकॉज काफ़ी बार हमें लगता है कि यार दोस्ती तो है मतलब कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, बट वहाँ पर ही चीज़ें बिगड़ती है, ठीक है। तो ऑलवेज मेक श्योर करो कि जहाँ पे भी आप अनकंफर्टेबल हो, जहाँ पे भी आप लोनली फील कर रहे हो, जहाँ पे भी आप वैल्यूड फील नहीं कर रहे, तो आप वहाँ से दूर ही रहो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आती है ट्रेवलिंग रिस्क, ऑलवेज मेक श्योर करो कि अगर रात में जा रहे हो कहीं पे घूमने जा रहे हो, ठीक है, या फिर वॉक पे भी जा रहे हो और सुनसान सड़कों पे जा रहे हो, तो ऑलवेज मेक श्योर करो कि अगर जाना ज़रूरी है तो जाओ बट ग्रुप में जाओ, ठीक है, अपने दोस्तों को साथ लेके जाओ, अपने तीन चार फ्रेंड्स को साथ लेके जाओ जिन पे आप अच्छे से ट्रस्ट करते हो, ठीक है। ऐसे ही अकेले मत निकल जाओ जहाँ का रास्ता आपको नहीं पता, जहाँ के बारे में आपको नहीं पता, बिकॉज दिल्ली के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है जहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑलवेज मेक श्योर करो कि अकेले तो वहाँ पर कभी मत जाओ, ठीक है। उसके बाद आते हैं यार इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स, हमेशा सेव करके रखो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, क्योंकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़ यार अपने पेरेंट्स के साथ या तो अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हो या फिर अपने नियर बाय जो लोग हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हो अच्छे से उनके साथ अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हो। तीसरी चीज़ उनको बता के जा सकते हो कि कहाँ पे जा रहे हो और कब तक आओगे, ठीक है यार, एक बहुत ही छोटा सा गेस्चर है जो अपने पेरेंट्स को आप शो कर सकते हो, जिसकी वजह से ना पेरेंट्स का कंसर्न कम हो जाता है। अगर आपने उनको बता रखा है कि यार मैं आज फेस्ट में जा रहा हूँ या फिर कॉलेज इवेंट में जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ठीक है, और उनको बता दिया कि मैं इतने बजे तक आऊँगा इतने बजे तक आऊँगी, तो उनको भी थोड़ा कंसर्न कम रहता है कि चल ठीक है बच्चे बता के गए, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी पहले वो 300-400 किलोमीटर दूर बैठे आपसे, ठीक है, उनको पता नहीं। उसके बाद आप बिना बताए कहीं भी घूम रहे हो या फिर कहीं भी जा रहे हो और उनको नहीं पता, और अगर फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं तो आप अवॉइड कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ कभी मत होने देना। एंड जो पहली चीज़ आती है ना कि यार पेरेंट्स ट्रस्ट नहीं करते हम पे, यार ट्रस्ट ऐसे ही बिल्ड होता है, आप धीरे धीरे चीज़ें ओपनली बताने लगते हो ना तब पेरेंट्स का भी ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ ठीक है यार बच्चे कुछ गलत नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो ट्रस्ट आपको बिल्ड करके रखना, कभी भी तोड़ना नहीं है, ठीक है। मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पेरेंट्स को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, एंड इवन आई हैवन डन एनीथिंग, ठीक है, बिकॉज यार सारी चीज़ उन्हें पता है कि मैं अगर कहीं पे जा रहा हूँ तो उनको पहले पता होता था कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता था कि पीजीज़ के टाइमिंग होती है कि 11 बजे तक आपको आना है, ठीक है, तो क्या होता है कि पीजीज़ के गेट बंद हो जाते हैं, तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि यार मैं लेट जा रहा हूँ पीजी पे। अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है पीजी ओनर से, वाई, बिकॉज ठीक है लेट जा रहा हूँ बट मेरे घर पर ऑलरेडी पता है। एट द एंड वो पीजी वाले क्या करेंगे, घर पर फ़ोन करेंगे ना कि आपके बच्चे बाहर घूम रहे, बट जब घर पर पहले पता है तो फिर वो बैकफायर नहीं होती चीज़, ठीक है, तो वो सपोर्ट में ही बोलते हैं पेरेंट्स की, ठीक है हमें पता था कि बच्चा पीजी से बाहर है एंड वो लेट आएगा, ठीक है, तो वहाँ पर चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज हो जाती है। तो ऑलवेज मेक श्योर करो कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स बना के रखो एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सेव करके रखो, एंड अपने जो भी ट्रस्टवर्दी लोग हैं पेरेंट्स हैं उनको बता के रखो कि आप कहाँ जा रहे हो। उसके बाद है कि यार ऑनलाइन ज़्यादा चीज़ें मत शेयर किया करो, ठीक है, अपनी पर्सनल स्पेसिफिक, अगर आप क्रिएटर वगैरह हो तो ठीक है, बट कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कहीं भी जा रहे हो वहाँ की अपडेट देने की जरूरत नहीं है इंस्टाग्राम पे, ठीक है, स्टोरीज आजकल नॉर्मल कल्चर बन गया कि हाय गाइस आई एम विजिटिंग देयर दिस प्लेस, ठीक है, आप जाए उसके बाद अपडेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यार यू नेवर नो इंस्टाग्राम पे आपको कौन ट्रैक कर रहा हो, कौन आपको स्टॉक कर रहा हो, ठीक है, तो आपका हो सकता है कि वो पीछे पीछे, राइट, कुछ भी हो सकता है।
तो ऑलवेज मेक श्योर करो कि लाइव अपडेट देने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ी देर बाद अपडेट कर दो कि ये दिस वाज द प्लेस आई विजिटेड देयर एंड ये एक्सपीरियंस रहा। साथ के साथ अपडेट करोगे तो हो सकता है कि यार काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हो जाए, तो उसको भी थोड़ा कॉशियसली यूज़ करना चाहिए बिकॉज सोशल मीडिया वायरल बहुत जल्दी जाती है चीज़ें, तो ठीक है इसका ध्यान आपको ज़रूर रखना है। उसके बाद आता है यार सेल्फ डिफेंस, अगर सेल्फ डिफेंस सीख सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। थोड़ा बहुत सेल्फ डिफेंस आना चाहिए कि अगर कुछ सिचुएशन में कुछ ऐसा हो जाए तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर, ठीक है। काफ़ी बार होता है कि हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, हमें पता ही नहीं होता कि अब करें क्या, ठीक है, ये चीज़ हो गई अब क्या करें, ठीक है। तो ऑलवेज बी एक्टिव, बी अलर्ट एंड थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहोगे ना ऐसी चीज़ों के लिए तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, एंड सेल्फ डिफेंस सीख जाओगे तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस के वैसे ही आ जाता है, राइट। उसके बाद आते हैं हम पेरेंट्स के कंसर्न की डिस्कस कर लेते हैं। यार मैं पेरेंट्स से यही बोलूँगा कि ठीक है आपका सेफ्टी कंसर्न है, बट आई वुड से कि उनको इंडिपेंडेंस दो थोड़ी एंड उनको रिस्पॉन्सिबल बनाओ, ठीक है। उनसे ओपनली बात करोगे आप एंड डिस्कस करोगे चीज़ें तो ज़्यादा सॉर्टेड रहेगी चीज़ें, ठीक है, रेदर देन रिस्ट्रिक्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम गोइंग एनीवेयर, ठीक है। उनको चीज़ें समझाओगे तो वो समझेंगे भी, अभी जस्ट वो एज है जहाँ पर उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। एंड इवन आई ऑल्सो फील कि अगर मैं शायद 3 साल पहले बाहर नहीं जाता तो शायद मैं इतना मैच्योर ना होता, शायद मैं इंडिपेंडेंट ना हो पाता, शायद मैं और अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर ना कर पाता, ठीक है। सो दिस इज़ द राइट एज जिस टाइम पर आपको सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स इस चीज़ के लिए कंसर्न होते हैं, राइट, कि अपने शहर से ही पढ़ लेगा तो क्या हो जाएगा बच्चा। बट आई कैन श्योरली से कि अपने शहर से पढ़ना और बाहर वाले शहर से आके पढ़ना, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अगेन बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जहाँ से बहुत बहुत पर्सनैलिटीज़ भी निकली है, लाइव एग्जाम्पल्स है आप सबके सामने, एंड वहाँ से पूरा 360 डिग्री चेंज हो जाता है पर्सन, ठीक है, इन द वे ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वो इंडिपेंडेंटली करना सीख जाता है, एंड उसको फिर एक वो होता नहीं कि सपोर्ट, वो सपोर्ट आपका चाहिए बस, और उसको किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं चाहिए, ही कैन डू एनीथिंग, ठीक है, और शी कैन डू एनीथिंग। तो वो चीज़ है कि उनको इंडिपेंडेंट बनाओ, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाओ, रेदर देन उनको रिस्ट्रिक्ट करो अपने ही एरिया के अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ ही मैं बोलना चाहूँगा पेरेंट्स को। एंड और जहाँ तक सेफ्टी की बात है तो यार DU एडमिनिस्ट्रेशन सेफ्टी के लिए बहुत कंसर्न रहती है एंड बहुत स्टेप्स भी लेती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड जब मैं पर्सनालिटी की बात करता हूँ तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो डाइवर्स कल्चर और एक्सपोजर मिलता है, अलग अलग शहर से आ रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी ही एक इकलौती यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर 70 कॉलेज है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो आपको अलग अलग कल्चर के लोग मिलते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग मिलते हैं, तो नेटवर्क अपॉर्चुनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है स्टूडेंट की, ठीक है। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफकोर्स मिलती है अगर अच्छे कॉलेज में जाते हो, एक्सपोजर अच्छा मिलता है, सोसाइटीज़ जो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में नहीं होती वहाँ से एक डेमो प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट होता है, एंड इवन आई हैव सीन कि डेमो प्रोजेक्ट बनते बनते वो मल्टी मिलियनरी स्टार्टअप्स बन चुके हैं आज, ठीक है। तो काफ़ी सारे एग्जांपल हैं, एंड स्पेशली कॉन्फिडेंस मिलता है बच्चों को फेस करने में, ठीक है। जो बच्चा अपने पे काम कर रहा है 3 साल में, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब बच्चा अपने पे काम करता है ना तो वो नेक्स्ट लेवल पर्सनालिटी निकल के आती है, ठीक है। कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का आता है, वो लीडरशिप सीखता है कि लीड करना कैसे, और वो सब सोसाइटी के थ्रू आते हैं। एंड जब मैं सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ तो सोसाइटीज़ के अराउंड मैं काफ़ी अच्छा चीज़ आपके लिए लेके आने वाला हूँ कुछ ही दिनों के अंदर, तो मेक श्योर करना आप सब्सक्राइब ज़रूर करके जाओ, एंड अभी तक देख रहे हो तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। एंड ये सब क्वालिटीज़ यार उनको अकेडमिकली नहीं बल्कि पर्सनली भी ग्रो करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। और जब आप मेंटली स्ट्रांग होते हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। एंड कंक्लूड मैं इसी के साथ करूँगा कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, ठीक है, और मतलब ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एनवायरनमेंट को सेफ बनाया जाए, ठीक है, जितने भी बॉयज़ हैं जितने भी गर्ल्स हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स के लिए सेफ है कैंपस या फिर नहीं है, यार इक्वली कम्स टू बॉयज़ एज वेल, ठीक है। मतलब हो सकता है कि बॉयज़ के लिए भी सेफ ना हो या बॉयज़ के लिए भी अनसेफ बन जाए, ठीक है, कैंपस, ठीक है। तो सेफ्टी आपको बना के रखनी पड़ेगी। अब मैंने यहाँ पे गर्ल्स का हाईलाइट कर दिया बिकॉज पेरेंट्स जनरली कंसर्न होते हैं, बट आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि यार अगर तुम बॉयज़ हो तो तुम्हें भी उतना ही सेफ रहना पड़ेगा, ठीक है। यू नेवर नो कब क्या हो जाए, तो ऑलवेज बी सेफ, एंड दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ की एक अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी कैंपस के अराउंड, एंड एक दूसरे को सपोर्ट करोगे तो यू विल फेस एनीथिंग, तो लोग आएंगे आपकी हेल्प करने, एंड जब बाकी लोग किसी प्रॉब्लम में तो आप जाओ उनकी हेल्प करने, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा, बट उससे पहले आप ये क्लिप ज़रूर देख लो जो मेरी जूनियर्स हैं, मेरी टीम मेंबर्स हैं, जिनसे मैंने एक्सपीरियंस पूछा था कि उनका सेफ्टी का क्या एक्सपीरियंस रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वो आपको पता लग जाएगा इस वीडियो के थ्रू। और यार एक फैक्टर है कि नॉर्थ कैंपस की वाइब बिल्कुल ही अलग है, लाइक यू विल फाइंड स्टूडेंट्स एवरीवेयर रोमिंग रोड पे, ऐसा साउथ कैंपस में नहीं है बिकॉज देयर आर डिफरेंट कॉलेजेस आर डिफरेंट प्लेसेस। तो हाँ, इट्स ऑल्सो सेफ, और मतलब तुम रात को घूम सकते हो, एंड दिस इज नाइस।
तो आई होप कि यार ये आपने वीडियो देखी होगी एंड आपके जो भी रिव्यूज है इस वीडियो के अराउंड प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, एंड अगर आपको हेल्पफुल लगी है, जेन्युइन लगी है वीडियो, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर बताना, मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो और मैं इसी तरह का कॉन्टेंट डालता रहता हूँ। तो सी इन द नेक्स्ट वन, टिल देन दिस इज शारजन साइनिंग ऑफ। सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे, जाके चेकआउट करो एंड ये वीडियो शेयर कर देना ताकि बाकी सब भी इस चीज़ के बारे में अवेयर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।